हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसीना हक ब्लॉग्स। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। अम्मी सोई हैं, मतलब जगी हुई है, लेटी हैं अभी, और मुस्कान गई है ट्यूशन और मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ नाश्ता। रोटी और करेला आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो फ्रेंड, आप सब भी आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने। वैसे इतनी सुबह नाश्ता करने का मन तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं भी नाश्ता बनाने के बाद ग्लूकॉन डी पीऊँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि भूख से ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है बिहार में। और फ्रेंड, आप लोग मेरी इस ब्लॉग को जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से देख रहे हो ना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोग की तरफ अभी कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि जहानाबाद में तो अभी 39 डिग्री है और गर्मी तो है, बट गर्मी से ज़्यादा लू चल रही है, जिसकी वजह से किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही है बाहर निकलने की, क्योंकि लू बहुत ज्यादा भी चल रही है। फ्रेंड, आप सब भी आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने। और हम लोग यहाँ पे नाश्ता में दही, रोटी, भुजिया और साथ में कलेजी। कलेजी अम्मी खाती है, मैं नहीं खाती, अम्मी खा रही है अभी कलेजी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो आप सब भी आ जाओ फ्रेंड्स। और फ्रेंड, आप सब बैकग्राउंड में मीठू के चिल्लाने की आवाज़ सुन ही सकते हो। जब भी मतलब नाश्ता या खाना पे हम लोग बैठते हैं तो ये इसी तरह से बहुत ज़्यादा चिल्लाती है खाने के लिए। मीठू, मीठू क्या खाना आपको? आ जाओ, आ जाओ मीठू, आ जाओ खाने के लिए। तो फिर आप सब देख ही सकते हो, जब भी हम लोग खाते हैं ना नाश्ते पे या खाने पे या कुछ भी खाते हैं ना, तो इसी तरह से ये साथ में कंपनी देने आ जाती है। मीठू, मीठू ये लो, खा लो, दही खा लो मीठू, जल्दी खाओ, मुझे मार्केट पे जाना है। और फ्रेंड, आप सबको पता है कल रात में मेरे हाथ से ना फोन छूटकर नीचे गिर गया था, जिसके वजह से ओरिजिनल ग्लास पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, वो थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। बट कोई नहीं, मैं अभी नाश्ता करने के बाद अभी जाऊंगी सर्विस सेंटर में और वहां पर ले जाकर दिखाती हूँ। क्या बोलते हैं, अगर चेंज करने के लिए कहेंगे तो चेंज करवा दूंगी, अगर नहीं कहेंगे तो फिर बस ऐसे ही यूज करूंगी। बट सब ठीक ठाक है, तो जाती हूँ वहाँ पे नाश्ता करने के बाद और देखती हूँ क्या बोलते हैं वहाँ। A few moments later. तो फ्रेंड, मैं हो गई यहाँ पे रेडी और मेरे साथ मेरी दोस्त निम्मी जा रही है साथ में, और वो अभी अपने घर से निकल चुकी है, वो मुझे रास्ते में मिलेगी। तो चलिए चलती हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके सर्विस सेंटर और अंदर जाकर पूछते हुए क्या करना होगा मुझे, तो जो भी रिस्पांस मिलेगा मैं घर पहुंचकर आप सबसे भी शेयर करूंगी। फ्रेंड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो फ्रेंड, मैं सर्विस सेंटर से घर आ चुकी हूं और एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ओरिजिनल ग्लास पे इफेक्ट हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस टेम्पर्ड ग्लास पे इफेक्ट हुआ था। तो मैं आप सबको लास्ट में उसका फोटो ऐड कर दूंगी, आप सब देख लेना जहाँ पे स्क्रैच आया था। और मैं यहाँ पे तहरी बना रही हूँ फ्रेंड, अम्मी का डिमांड था तहरी खाने का, तो मैं अम्मी के डिमांड पे तहरी बना रही हूँ। अरहान, क्या पढ़ रहे हो? कहाँ से कबूतर? इधर देखिए अरहान, इधर देखिए अरहान, सलाम करिए। वैसे नहीं है, गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? छोटा सा नहीं बनाना था। तो कैसे बनाना था? छोटा सा नहीं बनाना था। तो खुद से बनाइए, होमवर्क खुद से करते हैं ना अरहान। अरहान जल्दी से एबीसीडी सुनाइए। आगे एबीसीडी के आगे सुनाइए ना अरहान, पूरा सुनाइए अरहान। चप्पल, चलिए जल्दी से रैम सुनाइए। तो सुनाइए जल्दी। आया है,
धूम मचाएंगे। चलिए धूम मचा कर दिखाई तो जल्दी से, कैसे धूम मचाते हैं? अरे ऐसे बैठा जाता है, पैर ऐसे करके बैठते हैं, सही से पैर करिए। तो फिर अरहान चला गया अपने घर, और आप सबको तो पता ही है अरहान कितना ज्यादा फनी करता है, तो वो अपने घर चला गया। और मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। और सुबह में जो ग्लूकॉन्डी खोली थी ना फ्रेंड, वो बच गया था, तो फेंकने से अच्छा था मैंने आइसक्रीम जमा दिया है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ, और मिलती हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करो फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर किया करो। तो फ्रेंड मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।